ब्लेंड करते वक्त हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें अपनी आईलिड पे यानी मिडिल ऑफ द आईलिड पे आई शेडो को नहीं आने देना है। जहां हमने इसे प्लेस किया है बस वहीं पे हमें इसे अच्छे से ब्लेंड कर देना है ताकि बिल्कुल हार्श लाइंस ना दिखे। सेम पैलेट से मैंने गोल्डन ग्लिटर पिक किया है एंड इसे मैं प्लेस कर रही हूँ जहाँ पर हमने ब्लैक आई शेडो नहीं लगाया था यानी मिडिल ऑफ द आईलिड पे। एंड आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल लुक क्रिएट हुआ है। इसे हल्के हल्के हाथों से बीच में अप्लाई करें एंड उसके बाद अगेन ब्लैक आई शेडो को हल्का हल्का सा ब्लेंड करें। अब नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लूज ग्लिटर अप्लाई किया है। अगर आप चाहें तो इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं बट मैंने इसे मोर ग्लैमरस करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा लूज ग्लिटर जो थोड़ा बड़ा पार्टिकल्स वाला आता है वो अप्लाई किया है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे अपनी लोअर लैश लाइन पे सेम पहले ब्राउन आई शेडो अप्लाई कर रही हूँ एंड उसके बाद हम यहाँ पर ब्लैक आई शेडो अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट मैं यहाँ पे फॉकेल्यूर का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। सो इसे यूज़ करके मैं अपने अपर लैश एंड लोअर लैश को अच्छे से कोट कर लूँगी एंड उसके बाद हम फेक आई लैशेज अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट मैंने सेम गोल्डन आई शेडो जो था उसे एज अ हाईलाइटर यूज़ किया है और अब मैं यहाँ पे ब्राउन आई शेडो पिक कर रही हूँ एंड उसे मैंने जो ब्लैक कलर अप्लाई किया था उसे हल्का सा डिफ्यूज़ किया है। एंड येस गाइज, ये हमारा जो आई लुक है बिल्कुल तैयार है एंड दिस इज़ परफेक्ट फॉर नाइट पार्टी बिकॉज ये इतना ज़्यादा ग्लैमरस और इतना ज़्यादा ग्लिटरी लगेगा कि अगर आप इसे नाइट पार्टी में करके जाएंगे तो सब आपसे पूछेंगे कि आपने आई मेकअप कैसे किया है। सो येस गाइज, यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपने इस वीडियो को इन्जॉय किया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेक श्योर करें आपने चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।